Sí, además, sí. Si se pudiera seguir, Juan. Sir. ¿Qué está? Es el consejo de construcción. ¿Qué título hace? Statement is later on table. Sir, this board, हर साल ये समस्या आती है और इस बार जो दालों के दाम थे वो तकरीबन 20 रुपए से 50 रुपए किलो तक पहुंच गए और लोगों को उसमें बहुत परेशानी हुई। मैं ये जानना चाहता हूं, जब पिछले 5-7 साल से बराबर ये तकलीफ हो रही है, तो क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वे कराया है जिससे पता लगे कि जहां ये पैदावार होती है वो पैदावार बंद क्यों हो गई? सर, उसकी मेन वजह है कि जहां पैदावार होती तो वह सोयाबीन की पैदावार होने लगी पल्सिस की जगह, जो कैश क्रॉप मानी जाती है, और उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं और सिवाय इंपोर्ट करने के दूसरा चारा नहीं है। मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस ओर ध्यान दिया जिससे कि जो कॉमोडिटी कम हो रही है उसकी क्रॉप क्यों कम हो रही है, क्या वजह है? और अगर कम हो रही है तो आप क्या फैसिलिटी उन किसानों को देना चाहते हैं ताकि वो उसको ना छोड़ के दूसरी किसी कॉप पे जा रहे हैं? ठीक हो गया। और उसको पीने के लिए आपको बैठा दें। जहां तक पल्सिस की बात है, माननीय ने जो कहा ये बात सच है कि पिछले कई सालों से अपने देश में पल्सिस का उत्पादन एक स्टैग्नेशन के लेवल पर बैठा है, इस पर कोई सुधार हुआ नहीं। इसका एक मुख्य रीजन ये है कि पल्सेस का टोटल क्रॉप अपने देश में रेनफेड एरिया में लेते हैं, इरिगेटेड एरिया में पल्सेस का क्रॉप लेते नहीं, और इसलिए इसका यील्ड एक लिमिटेड लेवल पर है। नंबर दो, अपने देश में इंडियन काउंसिल रिसर्च के माध्यम से कई नई वैरायटीज आज आई हैं, मगर पल्सेस के क्षेत्र में इतना अच्छा ब्रेक थ्रू अभी तक मिला नहीं, ये बात सच है। कुछ नई वैरायटी डेवलप की गई है कि जिसका ड्यूरेशन कम है और ये ठीक होगा, मगर इसकी पानी की आवश्यकता है और पल्सेस ये रेनफेड क्रॉप है, इसलिए चाहिए इतना उत्पादन आता नहीं। और वहाँ के किसानों की एक अचूक है कि जहाँ ज़्यादा उत्पादन आएगा दो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ वो जाने के लिए कोशिश करता है, और इसलिए आज पल्सेस का कम है। मगर हमने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और दूसरी एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इक्रिसेट, इन दोनों को एक सूचना दी कि आप पूरा आपका संशोधन इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। इतने बड़े पैमाने पर हमें वो पल्सेस इम्पोर्ट करने की स्थिति पिछले 9-10 साल से आती है, इसमें कुछ न कुछ उत्तर छोड़ने की आवश्यकता है और हम इसके बारे में आशा रहे। सर, मेरा सेकेंड सप्लीमेंट्री होगा, सॉरी सर, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, चांदी चौक से आता हूँ सर, गरीब आदमी हूँ मैं सर। लिस्ट में नहीं है, ब्लू पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में नहीं है सर। सर मेरा एक और सवाल है कि आजकल कॉमोडिटी एक्सचेंज कुछ खुले हैं जिसमें ई ट्रेडिंग होती है, पूरे साल में इतनी पैदावार नहीं होती जितनी वो एक दिन में ट्रेडिंग कर देते हैं सर, और लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनके हाथ कई लोगों ने खुदकुशी की है, और मैं जानना चाहता हूं। और दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनको आपने इजाजत दे दी यहां पे होल्डिंग करने की, और उन्होंने बड़े बड़े गोदाम खोल रखे हैं, तो मैं दो चीजें हैं एक ही सवाल में। पहला ये कि क्या ई ट्रेडिंग आप बंद कराएंगे जिसका बहुत बुरा इफेक्ट बाजार पे पड़ रहा है? दूसरा, उन कंपनियों के ऊपर क्या पाबंदी आपकी कि कितना अनाज वो अपने गोदामों में रख सकते हैं, या उस पर क्या आपका क्या अंकुश है उनके ऊपर? ट्रेडिंग के बारे में रोक लगाने का काम सुझाव अग्रवाल जी देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर, ई ट्रेडिंग, आई सेड ई ट्रेडिंग सर। सर सर, दोनों चीज फर्क है सर, ये कंप्यूटर एक्सचेंज खुले हैं सर, कर बोलने दीजिए, वो अलग चीज है ना, वो ट्रेडिंग नहीं कह रहा मैं, समझ नहीं पा रहे अलग अलग चीजों को। जहाँ तक फ्यूचर मार्केट है, ये कंसेप्ट अपने देश से शुरुआत हुई और दुनिया में गई है, मगर पिछले कई सालों में फ्यूचर मार्केट के बारे में यहाँ कुछ काम होता नहीं था, इसको रोक लगाई गई थी। 4 साल पहले भारत सरकार ने इस बारे में निर्णय ले लिया
और अपने देश में भी किसानों को ठीक तरह से प्राइस रियलाइजेशन होने के लिए ये फ्यूचर ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन किया और पिछले 2-3 साल से शुरू है। ये बात सच है कि इस साल जब कई चीजों की कीमतें ज्यादा ऊपर गए तब एक बात हमारे सामने ऐसी आई कि एक्चुअली अवेलेबिलिटी रहते बिना इस पर ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है और इसलिए उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की आवश्यकता थी। रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है, इसके लिए रेगुलेटर है, उनके साथ बातचीत करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाए और इसका असर ठीक तरह से हुआ है। ठीक,